सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और एक बहुत गुड न्यूज है, गुड न्यूज ही आप सभी बोल सकते हो, क्योंकि सक्सेस की 98 पहली बार आप सभी को जो है ना 299 रुपए में पूरे एक साल के वैलिडिटी के साथ जो है वो हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है। वो इवन रेलवे का एग्जाम हो या फिर आपका बैंक का एग्जाम हो या फिर आपका एसएससी का एग्जाम हो, पूरा समझ लेना अच्छे से एक एक चीज। और हर एक एग्जाम जो है आपको दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप सभी को मिलेगा, ठीक है। कैसे टेस्ट देना है, क्या करना है, पूरा बताऊंगा। एक साल का वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो टेस्ट लिए उसका वैलिडिटी एक साल है। इसका मतलब यह है जो टेस्ट लिए उसका वैलिडिटी एक साल तो है ही, लेकिन एक साल तक जितना भी एग्जाम आपका आएगा हर एक एग्जाम का टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा। और कैसे लेना है, आप हमारा एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 जैसे ही सर्च मारेंगे ना, तो आप सभी को जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो है आप देख पाएंगे हर एक टेस्ट आपको 299 में मिल रहा है। और ये बस दो दिन तक रहेगा, होली तक, उसके बाद ये ऑफर फिर से 599 या आपका 399 में कर दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे भैया फ्री में दे दीजिए, नॉर्मल समझो एक बात, आप सभी 299 में पूरे साल भर के लिए हर एक एग्जाम। अगर बस रेलवे की बात करें तो अभी वहां पर रेलवे का 100 से ज्यादा सेट आपका वहां पर अवेलेबल है। और स्पीड टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम से पहले, ये आप सभी को पता है। टेस्ट देने का मतलब क्या होता है ऑनलाइन, कि एग्जाम से पहले आप सभी अपने गलती को निकाल पा रहे हैं कि मेरा गलती क्या क्या हो रहा है। एग्जाम देते टाइम जो मेरा प्रेशर बढ़ता है कम होता है, एग्जाम देने के टाइम मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए वो आपको कैसे कंट्रोल करना है वो हर एग्जाम में आप सीख पाते हो। और कोई नहीं बोल पाएगा कि भैया मॉक टेस्ट देने के बाद फायदा नहीं होता है। आज की डेट में अगर 100 स्टूडेंट एग्जाम निकालते हैं ना, तो 95 स्टूडेंट जो है वो मॉक टेस्ट देकर जाते हैं रेलवे या एसएससी, और बैंक वाले तो 100 में 100। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। और आपको मैं अभी इंटरफेस दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ A to Z अभी वीडियो में लाइव प्रूफ आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं। तो एक बार आप सभी अच्छे से देख लें, ताकि आप सभी ना बोलो कि भैया प्रॉब्लम कर रहा है, हम बाय नहीं कर पा रहे। A to Z आपको अभी दिखाने वाला हूं। और एक बार, बस दो दिन तक रहेगा, इसके बाद इसका जो अमाउंट है वो आपका इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे भैया फ्री में दे दो, अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो एक बुक अगर आप वहां से खरीदते हैं तो आपसे कितना लेता है, आप बोलेंगे 300 रुपया 400 रुपया लेता है भैया एक बुक का, 300-400 रुपया। सोचो 1000 बुक से ज्यादा का कंटेंट आपको दिया गया हर एक एग्जाम का। NTPC का खोलोगे तो 30-40 सेट है, ग्रुप डी का या फिर आपका जितना भी एग्जाम, बैंक का तो सारा एग्जाम पड़ा है, SSC का सारा एग्जाम, रेलवे का सारा एग्जाम, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, लेकिन हाँ अगर एक बात मैं हमेशा बोलता हूं आप सभी को, वहां पर जाएंगे ना तो आप सभी देखेंगे NTPC का दाम 165 रुपया है, ग्रुप डी का 140 रुपया है, SSC का अलग सेट है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं एक बार वाला पैकेज लीजिएगा ईयरली, अगर ये लेते हैं तो सभी से लॉक खुल जाएगा और एक साल तक आप एग्जाम दे पाओगे। लेकिन बहुत जन बोलते हैं भैया क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई आपने रखा है, जानबूझकर। मैं हमेशा बोलता हूं तैयारी करो अच्छे से, आधा तैयारी करने के बाद आप स्पीड टेस्ट देना स्टार्ट करो, जज करना स्टार्ट करो कि क्या क्या मुझे सीखना है, कहां कहां पर कमी हो रहा है, एग्जाम देने टाइम मुझसे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और एग्जाम देने के बाद पेपर को एनालाइज भी करना है। वो मैं हमेशा बताता हूं कि एग्जाम अगर देने के बाद बंद कर देते हैं तो वो एक गलत तरीका है। आपको एग्जाम देने के बाद पेपर को एनालाइज करना है, आंसर देखना है, आंसर देखने के बाद आपको नोट्स करना है कि पहले टेस्ट में रीजनिंग में मैथ में जीके में कितना नंबर उठा, कितना स्कोर कर पाए। एग्जाम से पहले सोच रहे थे मुझे इतना करना है लेकिन उतना हो नहीं पाता है, तो वो क्यों नहीं हो पाता है, कहां पर काम करना है, हर एक चीज जो है आप एग्जाम देने के दौरान दिन पर दिन सीखते जाते हैं।
और अगर आप प्रॉपर वे में 10-15 सेट देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि भैया जब हम पहले दिन यहां पर थे वहां से मेरे अंदर इंप्रूवमेंट यहां पर आया है, सभी बोलेंगे। तो ये अपने आप को इंप्रूवमेंट दिखाना है, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूं, मेरा नहीं किसी और का लो, लेकिन आप ये लो, आप दो डेली। और आपको लैपटॉप पीसी बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप फोन के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपको फोन लेना है, आपको लैपटॉप लेना है, पीसी लेना है। और हाँ, अगर लैपटॉप है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, आप डायरेक्ट दे सकते हैं successkey98.net पर जाकर। अब वीडियो में देखो आपको कैसे कैसे देना है, एक एक स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूं। अपने फोन में पहले प्ले स्टोर ओपन करना है, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च मारना है successkey98। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना अपने फोन में, उसके बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। अपना एक आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर और एक अपना निजी पासवर्ड बना लीजिएगा और आप हो जाएंगे successkey98 के ऊपर। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको देखेंगे, आपके सामने चार सेक्शन दिखाई दे रहा है, बैंकिंग, रेलवे और आपका इंश्योरेंस वाला। हर एक क्षेत्र के एग्जाम के लिए आपको जो मॉक टेस्ट है, स्पीड टेस्ट है, आपको यहां पर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अगर मैं बैंकिंग को ओपन करूं तो बैंकिंग के हर एक एग्जाम का टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। और हर एक एग्जाम का कम से कम 20-25 सेट मिलेगा, ताकि आप एग्जाम से पहले आप एग्जाम दे पाओ। जैसे मान लो मैं SBI PO ओपन करता हूं, देख रहे हैं यहां पर आप सभी को हर एक एग्जाम के लिए बाई करना पड़ेगा और हर एक एग्जाम के अंदर आपके लिए टेस्ट है। जैसे मान लो मैं ऊपर वाला ओपन करता हूं, SBI क्लर्क और PO कॉम्बो पैक है प्री के एग्जाम के लिए 299 में। अगर इसको मैं ओपन करूं तो आप देखेंगे यहां पर आपको दो टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। टेस्ट कैसे देना मैं वो सब बताऊंगा। उसके बाद देखेंगे नीचे में आप सभी का यहां पर इतने सारे टेस्ट जो है वो अवेलेबल है, ताकि एग्जाम से पहले आप अपने आप को जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आप ये 299 वाला होली स्पेशल पैक बाय करते हैं, 299 में एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी टेस्ट है, SCC बोलो या बोलो बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस, हर एक एग्जाम का टेस्ट आपको एक साल के वैलिडिटी के साथ दिया जाएगा। और जितने भी लॉक लगे हैं, जितने भी टेस्ट के ऊपर, हर एक लॉक जो है वो हट जाएगा, ठीक है। बाई कैसे करना है, एग्जाम कैसे देना है, मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लो अगर मैं रेलवे का ओपन करूं तो रेलवे का अभी तक आपका कौन कौन सा एग्जाम है, तो Group D Level 1 NTPC। हालांकि ये दोनों एग्जाम एक ही है तो आपको टेस्ट दिया गया है, लेकिन मान लो अगर मैं Group D ओपन करूं तो यहां पर देखेंगे आपको दो टेस्ट फ्री दिया जा रहा है, बाकी टेस्ट जितने भी हैं वो सारे पेड है। लेकिन 30 टेस्ट टोटल है। लेकिन मैं बोल रहा हूं आप पहले टेस्ट देख लो, अगर 299 वाला पैक बाय करते तो जितने भी लॉक लगे हैं ना, जितने भी एग्जाम पर, मान लो NTPC के ऊपर तो बाय किया हुआ है तो इस पर सारा लॉक खुला हुआ है, या मान लो RRB Level 1 यहां पर 149, तो ये आपको बार बार बाय नहीं करना है। अगर वो 299 वाला पैकेज बाय करते हैं तो सब पर पे सबसे लॉक खुल जाएगा और एक साल तक और जो एग्जाम आएगा उसका भी टेस्ट आपको दिया जाएगा। अब दिखाते हैं एग्जाम देना कैसे। मान लो रेलवे का ओपन किए, ठीक है, Group D का दिखाते हैं जिस पर लॉक लगा हुआ था, तो दो टेस्ट जो है वो फ्री था। आपको करना क्या है, सीधे सीधे इस पर आपको बाई करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे दिया गया है आप सभी का टेक टेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किए आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखिए आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। अब आप बोलेंगे भैया क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी के लिए क्या करना है, ऊपर में सबसे कॉर्नर में यहां पर देखिए एक चीज दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन हिंदी में आना स्टार्ट हो जाएगा तो हर एक एग्जाम आप जो है ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद एग्जाम देने के बाद आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप जज भी कर सकते हो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना रैंकिंग है जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, प्लस हर एक क्वेश्चन का आंसर पेपर को एनालाइज कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। और एक बात मैं बोल दूं, अब पेमेंट कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे इस पर क्लिक करना है ऊपर वाले में, ठीक है।
क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे, वहां पर आप वैलेट से, आपके पास फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, आपका कोई कार्ड हो, आप हर एक चीज से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो नंबर देता हूं ऊपर में, नीचे एमएल आईडी, एक मिनट। अगले पेज में जैसे ही मैं आया तो यहां पर आप देख रहे हैं कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, वैलेट से, अमेजन पे, फ्री रिचार्ज, पेटीएम, अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। किसी से पेमेंट करने के बाद 10 से 15 सेकेंड रुकिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पेज पर, उसके बाद सक्सेसफुल दिखा देगा। आप जो है जितने भी लॉक लगे हुए हर एक लॉक जो है वो खुल जाएगा। मान लो कभी कभार रेयर केस में अगर कोई प्रॉब्लम करता है तो जैसे ही आप इस तीन वाले बार पर क्लिक करेंगे, यहां पर ऊपर वाले में ये जो तीन लाइन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे में देख पाओगे, आप सभी यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं नीचे में सक्सेस की 98 pay@gmail.com पर आप मैसेज कर सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट के साथ कि भैया मैंने पेमेंट कर दिया, लॉक नहीं खुला है। तो आपका लॉक जो है वो 1 से 2 घंटे में जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो आप पूरा प्रोसेस देख लिए होंगे। अब 299 में पूरे साल भर के लिए हर एक एग्जाम का टेस्ट आपको दिया जा रहा है ताकि एग्जाम से पहले आप सभी जज कर पाओ कि आप एग्जाम से पहले स्कोर कर कितना पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप सभी को पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए।